तुम मुझे मार दो, मुझे नर्क में भेज दो, मेरा गला काट दो, मेरा जबान काट दो, लेकिन अगर फिर भी मेरे जो अंदर से है ना वो आवाज अगर आएगी तो वो कन्नड़ा ही होगी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, एलोरा नमस्कार, चैनल के स्वागत है, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज अपने गोल्डन स्टार गणेश का बर्थडे है, तो पहले मेरे और मेरे पूरे यूट्यूब फैमिली की तरफ से आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप फिट रहें, एक्टिव रहें, ऐसे सुपर डुपर हिट फिल्में देते रहें, स्पेशली मुंगारू मले जैसी फिल्म, कमाल की फिल्म थी वो। और आइए, आज जो है वो उनका फिल्म गीता का टीजर आया था कल शाम को ही, लेकिन मैं घर से बाहर था, मैं उस टाइम वीडियो कर नहीं पाया, तो मैंने बोल दिया था कि मैं कल सुबह में करूंगा। तो आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में आपसे कुछ बातें करेंगे। ओके, स्टार्ट। म्यूजिक ऑन, आनंद ऑडियो। ये लाइन का मीनिंग बताया। कन्नड़ लोग चाहता है कि हम सब कन्नड़ सीखे, कन्नड़ में ही लिखे और कन्नड़ में ही बात करे। अगर ऐसा हुआ तो हमारा बच्चों का क्या होगा? वो क्यों कन्नड़ सीखेंगे? नाड़ा எப்பா பார்த்தாலும் பிரச்சனை பண்ணுகிறீங்க, தண்ணி ஓடுறதுல பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, லாங்குவேஜ் கே ஹை மை டர்ன் பாஷன் பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க। अजय शंकर नाग सर की तरह लुक लग रहा है ना, जो कैप पहनने का उनका स्टाइल था। ದೊಡ್ಕೊಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕದ ನಕ್ಷೆ ಕೊಂಡ್ಕೋಬಹುದು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಾವುಟ ಕೊಂಡ್ಕೋಬಹುದು, ಕನ್ನಡಿಗರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳಕಾಗಲ್ಲ। ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗನೇ ಯಜಮಾನ, ಕನ್ನಡಿಗನೇ ಸಾರ್ವಭೌಮ। ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಏ ಲುಕ್ ತೋ ಎಕ್ದಮ್ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಸರ್ ಕಿ ತರಹ ದಿಖ್ ರಹಾ ಹೈ ಭಾಯಿ। ओके, तो कैसा लगा टीजर? स्टार्टिंग का मैं बात करूं, स्टार्टिंग का वो मुझे पढ़ने में नहीं हुआ तो मैंने उसका मीनिंग पता किया। तो उसका मीनिंग ये है, मैं ऐसे बताता हूं, पूरा हो सकता है मैं सही नहीं बता पाऊं, कि तुम मुझे मार दो, मुझे नर्क में भेज दो, मेरा गला काट दो, मेरा जबान काट दो, लेकिन अगर फिर भी मेरे जो अंदर से है ना वो आवाज़ अगर आएगी तो वो कन्नड़ा ही होगी। तो ये है अपने लैंग्वेज को लेके प्यार, जो है वो वही इस चीज इस फिल्म में दिखाया गया है। एक गोकक गांव जो है उसकी स्टोरी है, वहाँ के लोगों को ये पसंद नहीं होता कि वो कन्नड़ा बोलें, उनके बच्चे कन्नड़ा बोलें, तो इस चीज़ पे इस फिल्म की जो स्टोरी है वो बेस्ड है। तो स्टोरी के बारे में ज़्यादा डिटेल्स अभी नहीं है, स्टोरी का पता चलेगा जब फिल्म का ट्रेलर आ जाएगा, उसके बाद फिल्म का जब विकिपीडिया पेज रेडी होगा उसके बाद स्टोरी के बारे में आइडिया लगेगा पूरा डिटेल्स में। और बात करते हैं इस फिल्म में लुक का। लुक अगर आप देखो ना, तो फर्स्ट लुक देखते ही आपको अगर किसी की याद आएगी तो शंकर नाग सर की। मैं एक नॉर्थ इंडियन हूँ, मैंने बहुत कम वीडियोस देखे शंकर नाग सर के, लेकिन दिमाग में एक इमेज है। तो आप लोग तो वहाँ से हो तो आप लोगों को तो बहुत अच्छे से पता होगा, मुझे पहले देखते ही एक शंकर नाग सर का इमेज दिखा और बिल्कुल लग रहे हैं वो। एंट्री अच्छी होती है, बुलेट पे सिगरेट पीते हुए, कैप लगाए हुए। ये जो फिल्म है वो 2019 की अपकमिंग कन्नड़ा लैंग्वेज की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म में लीड रोल में है गोल्डन स्टार गणेश, शानवी श्रीवास्तव, पार्वती, अरुण। फिल्म को डायरेक्ट किया है विजय नागेंद्रा ने और इस फिल्म में म्यूजिक दिया है वी हरिकृष्णा सर ने। अभी कुछ दिन पहले ही गोल्डन स्टार गणेश के दो फिल्मों के ट्रेलर का रिएक्शन वीडियो किया था, एक गिमिक का और एक 99 का। इस फिल्म का भी पोस्ट प्रोडक्शन चालू है क्योंकि रिलीज डेट अभी नहीं इसका अनाउंस किया गया है। तो अभी लगभग वो अभी तक 48+ फिल्मों में काम कर चुके हैं, ये फिल्म आएगी तो ये 50 फिल्म हो जाएगी उनकी, तो अभी तक लगभग 50 फिल्मों में उन्होंने काम किया हुआ है। और उनकी करियर बेस्ट अगर फिल्म है तो वो है मुंगारू मले, जिसने सफलता के मामले में रिकॉर्ड स्थापित कर दिया था कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री में। और सिनेमा घरों में वो फिल्म जो है वो 865+ डेज तक लगी थी और बिजनेस के मामले में तो वो 1 करोड़ से भी कम लागत की बनी हुई फिल्म थी और बॉक्स ऑफिस पे 75+ करोड़ का बिजनेस किया था। तो आज उनका जन्मदिन है, एक बार फिर से वीडियो खत्म करें उससे पहले उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। तो बस उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद।